हेलो स्टूडेंट्स, यार आज अपन बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज कर दी गई है। स्पेशली कंप्लीट के अंदर एनालिसिस करेंगे कि आपका किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, कैसे एडमिशन होने वाला है। अब जो है आपका रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो चुके हैं, अब फ्यूचर में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, राइट? तो वही देखने वाले हैं। पहले आपको मेरिट लिस्ट कैसे देखना है, तो आप जैसे इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको कंप्रेसिव प्रोग्राम मेरिट लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हो तो पहले मैं आपको बताता हूँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग देख सकते हो, यहाँ पे अपडेट आ चुका है कि आपकी जो लिस्ट है वो 2 बजे रिलीज कर दी जाएगी 1 अक्टूबर को। बीटेक सीएससी फाइल विल बी अपलोड 2 PM ऑन 1 अक्टूबर 2022। ओके, अब देखते हैं यार क्या सारा सीन है। बहुत सारे बच्चों का मेरे को ये कहना है कि भैया हमारा जो नाम है वो उस कॉलेज में उस कोर्स में आ गया है। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का इन लिस्टों के अंदर नाम आया, तो काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया हमारा एडमिशन हो गया है। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ वो लिस्टें आई है जिनका जिन्होंने अप्लाई किया है कॉलेज में, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका एडमिशन हो गया। गाइस ध्यान से सुनो, ओ माई गॉड क्या हो गया भाई, पानी पिलाओ इसको, पानी पिलाओ, क्या चक्कर आ गया क्या? देख सकते हो गाइस, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये ठान रखा था कि भैया हमारा एडमिशन हो गया है। हाँ हाँ आंटी जी इसको पानी पिलाओ थोड़ा, देखो बेचारा कितना परेशान हो गया। गाइस ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपका ये सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ ये शो किया गया कि आप जो है इतने बच्चों ने अप्लाई किया है और इतने बच्चों में जो है आप इतने नंबर पे आए हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, ये वीवो का कोर्सेज है तो इसमें जो है 272 लोगों ने अप्लाई किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर। यहाँ पे अगर मैं गर्ल्स स्टूडेंट की बात करूँ तो यार उनके लिए फ्री था, ठीक है? उनसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं किए गए। इसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। अब काफी सारे ऐसे बच्चे हैं यार जिनकी जो रैंक है, किसी की 400 रैंक है, किसी की 500 रैंक है, किसी की 600 रैंक है, यार ऑब्वियसली उनका जो एडमिशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो भैया अब हम क्या करें, हमें कहाँ पे एडमिशन मिलेगा? हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में ही एडमिशन चाहिए। तो यार आपका एडमिशन हो सकता है लेकिन टिल लास्ट राउंड स्पोर्ट राउंड वगैरह में, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप हमारी पर्सनल गाइडेंस प्लान ले सकते हो। सीयूटी एडमिशन प्रोग्राम में आप इनरोल कर सकते हैं, इसके अंदर हमारी जो टीम है आपको पर्सनलाइज फॉर्म भरती है, जो भी आपके एडमिशन स्पोर्ट राउंड वगैरह चल रहे हैं वहाँ पे जो आपका एडमिशन कंप्लीट करवाती है गाइड, तो और जो भी कैसे क्या सारा सीन है, किसका कितना कट ऑफ रह रहा है, किसमें कैसे फॉर्म भरना है। अगर आपको बाई चांस अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपका फॉर्म कैंसिल ना हो, आपका एडमिशन कैंसिल ना हो, तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं वो सारा का सारा डिटेल के अंदर हमारी टीम आपको बताती है। ओनली फॉर पूरी टोटल जितनी कॉलेजें हैं सबकी काउंसलिंग हम करते हैं 1499 रुपए के अंदर ओनली फॉर, जिसका प्राइस पहले कुछ सालों में 10,000 हुआ करता था, वो आपको अभी सिर्फ 1499 रुपए में मिल रहा है। तो गाइस आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो सीयूटी गाइडेंस प्लान। अब अपन देखते हैं यार काउंसलिंग का क्या सारा सिस्टम है, तो देख सकते हो ये इंटीग्रेटेड फिजिक्स है। इंटीग्रेटेड फिजिक्स में टोटली कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 848 बच्चों ने अप्लाई किया है, तो ऑब्वियसली जो 848 नंबर पे जो बच्चा है कशक, ठीक है, जो भी है कशक मंजीत है, ये आर्यमान है, इनका तो भैया एडमिशन होने वाला नहीं है, ठीक है? इनके 2-2% है भाई, शर्म करो कुछ, मेरे कोर्सेज देखे पढ़ लिए होते तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता कि भैया हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, राइट? अगर कोई सुन रहा है तो भाई मेरे कोर्सेस ले लो इस बार तुम सी यू, ठीक है? ऐसा जचा के दबंग पढ़ाता हूँ, तुम्हारा कोई अलैंड सलैंड सब खेल है, ठीक है? तो जस्ट देखो क्या सारा सीन है। अब ये है स्टूडेंट है एक, ये फर्स्ट आया है, जनरल कैटेगरी का है, 99% है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। नाम तो मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा, देवी टूटा बाल क्या है ये, ठीक है? नेची शियानी वो नाइस गर्ल, ओके, अश्विन सिंह भूतपुर ऐसी कैटेगरी, वैभव भूज गजब, भाई तूने जनरल की सीट अडोप्ट कर लिया। तो यार ये सारा सीन है। अब इनमें भैया कितने तक एडमिशन हो जाएगा हमारा, हमारा 600 रैंक आया, हमारे 450 रैंक आया, हमारा 300 रैंक आया है, तो यार देख सकते हो यहाँ पे सीटें जो है टिल 60 सीटें होती है। जो ऊपर वाले जो बच्चे हैं देख सकते हो, ये जो 90 वाले जो 95 प्लस वाले तक जो है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो टिल जिनके 95 तक है, कितने बच्चे 95 तक के, 87 रैंक पे, ठीक है? तो यार ये 87 रैंक तक तो के जो बच्चे हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में नहीं लेंगे एडमिशन,
अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं देन आपकी मूर्खता होगी। तो आप सभी को इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है वो हम चूज करके देते हैं बॉलीवुड 1499 रुपये में। तो आप कोर्स जरूर ले लें, अगर आपका एडमिशन अगर आपको नहीं भी लेना है तो भी आप जरूर लो, ठीक है। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको फुल हम गाइड करेंगे, अगले साल के लिए भी पहले ही गाइड कर देंगे, ठीक है। तो 87 रैंक तक के जो बच्चे हैं वो तो अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो यह काफी गलत होगा आपके साथ। और अगर कोई यहीं से इसके घर के आसपास खोले जाए तो वो कर सकता है कुछ, लेकिन आपको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि बच्चा पार्टी आप यार DU में जाओ, आप JNU में जाओ, आप BHU में जाओ, आप AMU में जाओ, आप इधर बताओ, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है जिनके 95% तक आए हैं, उन बच्चों को IIT NIT IISc बेंगलोर टॉप रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट जैसे आईसर में जाना है, ओके। अब अपन यहाँ पे कौन बच्चे रहने वाले हैं उनकी बात करेंगे आज, ठीक है। यहाँ पे कौन बच्चे रहेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, कौन से बच्चे एडमिशन लेंगे। यार आप लोग जो नीचे चलो, ठीक है, 80 पे चलो, 80 कहाँ पे आता है, ये देखो 81 आया बेटा, ये रहा 80, ठीक है, ये 80 है, 300 रैंक है, ठीक है। तो यहाँ से आप मान के चलो कि यहाँ 300 तक जो बच्चे आ गए वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और जिनके 99% आ रखे हैं वो यहाँ पे मतलब सोचे भी ना, ठीक है, कि हम यहाँ पे एडमिशन लेंगे। तुम यार करीब बच्चे हो भाई, तुम उसे कॉल करके पूछो कि हम कहाँ पे एडमिशन ले भैया, 1499 रुपये जमा करो और बातें करो मुझसे, ठीक है। तो यार ये जो है आपको वो मैं बता दूँ कि जिन बच्चों के टिल 600 तक रैंक आ रहा है, टिल 600 तक आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेफ है। अब आप कितने सेफ हो कितने कम सेफ हो उस वो तो मैं हमारी एक्सपर्ट टीम ही आपको बता सकती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। हम आपकी ज्ञान दक्षिणा सिर्फ 1499 रुपये में आपका कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो जरूर से जाके रजिस्टर करो। लेकिन अगर मैं बात करूँ यार यहाँ पे टिल 300 रैंक तक जो बच्चे हैं वो तो यहाँ पे एडमिशन लेंगे नहीं, 300 के बाद शुरू होता है सारा सीन। अब उसमें भी काफी सारे बच्चे यार एक ही कोर्स में थोड़ी रजिस्टर्ड है, कुछ बच्चे काफी दूसरे कॉलेजों में रजिस्टर्ड है, कोई राजस्थान से बिलोंग करता है, किसी को अजमेर रहना है, किसी को बिहार रहना है, किसी को झारखंड, किसी को तमिलनाडु, किसी को दिल्ली, किसी को पंजाब, किसी को डॉट डॉट यार राजस्थान में कितने कॉलेजेज है सॉरी भारत के अंदर। तो ये जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे इसी में आए। तो आपकी जो रैंक है वो काफी आगे तक जाने वाली है, ठीक है। तो जल्द 700-700 रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाता है। ये प्रोसेस आप बीटेक सीएससी के अंदर ना लागू करें, ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ बेसिकली इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए बता रहा हूँ। बीटेक सीएससी के लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है, बिकॉज यार बीटेक जो कॉलेजेज हैं वो काफी कम है, जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में 2 इंजीनियरिंग प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आता है, उसके बाद कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और है, एक EFLU कॉलेज है एंड बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो जो है सारे के सारे जोसा के थ्रू CSEB के थ्रू ही लेते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में भी आप बीटेक कर सकते हो यार, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी सारे कैंपस है जैसे श्रीनगर में, हिमाचल में, उत्तराखंड के अंदर वगैरह 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 वगैरह, काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि काफ़ी अच्छे हैं, AKTU वगैरह के भी काफ़ी कॉलेजेज हैं। अगर मैं बात करूँ यार स्पेशली बीटेक के लिए तो 2020 की अगर अपन बात करें तो यार पहले तो हमें जो यहाँ पे एडमिशन कराता था, बिकॉज मैं काफ़ी सालों यहाँ पे एडमिशन करा रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में बच्चों के, तो ऑलमोस्ट मेरे काफ़ी सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में और काफ़ी अच्छे मुकाम पे है भी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यार तो यहाँ पे जो काफ़ी आसानी से एडमिशन हो जाते थे, जो जो पॉपुलेशन बढ़ती गई बच्चों के अंदर कॉलेजों के बारे में पता चलता गया, तब तब से कंपटीशन लगातार बढ़ने लगा है बच्चों के। और जो भी एडमिशन के रिगार्डिंग और जो भी लोअर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी वहाँ पे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो सीटें हैं वो बच्चे छोड़ते ही नहीं हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक ये तो IIT से भी खतरनाक मामला हो चुका है। हालांकि अगर मैं बात करूँ यार CAOT 2022 की, तो यार यहाँ पे जो है JEE मेन की अगर अपन बात करें तो यार वहाँ पे 11-12 लाख अप्लीकेशन भरे जाते हैं, लेकिन इस बार जो है यहाँ पे सिर्फ जो अप्लीकेशन भरे गए हैं वो आप मान के चलो कि 15 लाख CAOT में अप्लीकेशन भरा है और JEE मेन में कम भरा गया है। तो JEE से भी बड़ा एग्जाम हो चुका है, इतना बड़ा मार्केट है CUET का, तो आप समझ सकते हो यार CUET की अहमियत क्या है। तो जिन भी बच्चों को काफ़ी लो मार्क्स है CUET के रिगार्डिंग कि भैया हमारा किस में होगा किस में नहीं होगा, वो मेरा CUET पेड काउंसलिंग प्लान जरूर से ज्वाइन कर सकता है।
ये आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, दबाव डाल रहा हूँ,